हेलो दोस्तों, मैं संजीत और आप देख रहे हैं अमेजन टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ESC यानी एस्केप की का यूज बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ESC का एक बहुत ही बढ़िया यूज है। यदि आप फंक्शन यानी FN, यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे में FN की के साथ आप यदि ESC को प्रेस करते हैं तो जो आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन होगा यानी कि आपका लैपटॉप का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। ओके, तो यह बहुत ही बढ़िया एक यूज है, फंक्शन FN प्लस ESC। ओके, फिर दूसरा यूज हम आपको बता दें कि यदि आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं या कोई कुछ चीज़ डाउनलोडिंग कर रहे हैं और वह प्रोसेसिंग होने में लेट हो रहा है और आप उसे चाहते हैं स्टॉप करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ESC बटन को प्रेस कर देंगे। तो प्रेस करने से क्या होगा कि आपका वह प्रोसेसिंग रुक जाएगा। तो यह एक और बहुत ही बढ़िया यूज रहा। और दोस्तों, एक और तीसरा यूज है कि हम विंडोज का पॉपअप बटन खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस ESC बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने विंडोज का पॉपअप बटन खुल के आ जाएगा। और फिर यदि हम उसको बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ ESC को प्रेस करना होता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ESC यानी एस्केप की का यूज बताया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।